ट्रूकॉलर से आप अपनी सारी जानकारी कैसे डिलीट करेंगे, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपका ट्रूकॉलर है और ट्रूकॉलर में आपका जो नाम है, आपका नंबर है, फोटो, जितनी भी आपकी ट्रूकॉलर के अंदर जानकारी है, वो जानकारी आप कैसे डिलीट करेंगे, जिससे सामने वाला कोई भी आपके नंबर को सर्च करे तो उसको ट्रूकॉलर की इससे कोई भी जानकारी ना मिले। तो इस वीडियो में अभी हम आपको ट्रूकॉलर का अकाउंट डिलीट करने के बारे में बताएंगे कि आप अपना ट्रूकॉलर अकाउंट कैसे डिलीट करेंगे। तो ट्रूकॉलर अकाउंट डिलीट करने के लिए सिंपली आपको अपना ट्रूकॉलर इस तरीके से ओपन करना है। आपको ओपन करने के बाद ऊपर यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग में जाने के बाद नीचे तरफ आपको प्राइवेसी सेंटर का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे प्राइवेसी सेंटर पे क्लिक करना है। और इसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आइएगा तो आपको यहाँ पे एक सेटिंग देखने को मिलेगी डीएक्टिवेट की, आपको यहाँ पे डीएक्टिवेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आपको सिंपली यहाँ पे तीनों ऑप्शन इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद एस कंटिन्यू पे क्लिक करना है। एस कंटिन्यू पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से आएगा। आपको यहाँ पे जस्ट नीचे तरफ आपको एक और बटन देखने को मिलेगी कंटिन्यू की, आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करिएगा तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, आई डोंट यूज दिस एनी वन, आई डोंट यूज द ऐप एनी मोर, आई डोंट वॉन्ट ट्रू कॉलर टू सो माई नेम। आपको यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा तो कुछ इस तरीके से आएगा, प्लीज़ कंफर्म अकाउंट डीएक्टिवेशन। आपको यहाँ पे डीएक्टिवेट बटन पे आपको क्लिक करके अपना अकाउंट आपको इस तरीके से डीएक्टिवेट कर देना है। आपका अकाउंट जैसे डीएक्टिवेट होता है, डीएक्टिवेट होने के बाद आपको एक और प्रोसेस करनी है, तभी आपका जो इन्फॉर्मेशन है ट्रूकॉलर के अंदर की वो सारी डिलीट हो पाएगी। तो इसके लिए आपको अपना गूगल क्रोम आपको ओपन करना है। गूगल क्रोम में आपको अपना जो ट्रूकॉलर का जो मोबाइल नंबर था उसको आपको अनलिस्ट करना है। अनलिस्ट करने के लिए अपना गूगल क्रोम इस तरीके से आप ओपन करिएगा। गूगल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है ट्रूकॉलर अनलिस्ट। आपको यहाँ पे ट्रूकॉलर अनलिस्ट डाल के आपको सर्च करना है। जैसे आप ट्रूकॉलर अनलिस्ट डाल के सर्च करिएगा, आपको यहाँ पे अनलिस्ट फोन नंबर का ऑप्शन आएगा फर्स्ट में ही, ट्रूकॉलर करके यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करिएगा तो नीचे तरफ स्क्रॉल करके आना भी आपको, यहाँ पे अगर आपके फ़ोन में इस तरीके से आता है तो आपको एक्सेप्ट कुकीज कर लेना है। और इसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आना है, सबसे नीचे तरफ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नो आई वांट टू अनलिस्ट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करिएगा तो आपको मोबाइल नंबर डालने के लिए आएगा, आप अपना मोबाइल नंबर इस तरीके से डालिएगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आई डोंट यूज टू कलर एनी मोर, बहुत सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आप कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर दीजिए और अनलिस्ट पे क्लिक कर दीजिए। अनलिस्ट पे क्लिक करते ही देखिए आपके मोबाइल नंबर पे जो आपने मोबाइल नंबर डाला था उसमें एक ओटीपी जाएगा, सिंपली वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। तो देखिए हमने यहाँ पे अपना वो ओटीपी डाल दिया है। इसके बाद अनलिस्ट पे हम क्लिक करेंगे। अनलिस्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पे 24 घंटे का टाइम दिया गया है, ये बोला गया है कि 24 घंटे का आपको वेट करना है, 24 घंटे के अंदर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन या आपका जो ट्रूकॉलर अकाउंट वो डिलीट कर दिया जाएगा। इसके पहले 24 घंटे तक आपको दोबारा से अपना अकाउंट नहीं बनाना है।